जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग रील लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। रील का मतलब समझिए, ये छोटा सा फुल फॉर्म है, सॉरी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है एक कंपनी का। पहला आर जो है रबर प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, टेक्सटाइल सेक्टर में उसको दर्शाता है, और जो दूसरा आर है रियल एस्टेट से कंपनी जुड़ी हुई है उसको ये कंपनी ये नाम दर्शाता है। तो रील शॉर्ट फॉर्म है, बेसिकली एक ग्रुप है इसका बहुत बड़ा, उसकी एक छोटी सी कंपनी है रील लिमिटेड। तो खैर, हम लोग रील लिमिटेड को इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के काम को आपको आसान बता देते हैं, फिर आगे की बात को समझेंगे कि लंबी अवधि में निवेश के लिए ये स्टॉक कैसा है। देखिए, रील लिमिटेड कंपनी ये जो है 1991 ईस्वी में बनी थी, और ये देखेंगे तो टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करती है, और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी आप बेसिकली रबर प्रोडक्ट्स में, रबर के सेक्टर में काम, टेक्सटाइल में बहुत सारा प्रोडक्ट्स आता है जिसमें ये एक रबर वाले सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा ये देखेंगे तो टेक्सटाइल बिजनेस में इसका तो है एक टेक्सटाइल में बिजनेस है, साथ में जो सबसे मेन कमाई होता है इस कंपनी का रियल एस्टेट में कंपनी काम करती है, और रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट में जो काम करते हैं उससे इस कंपनी की मेजर कमाई होती है। तो दो बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, एक टेक्सटाइल के बिजनेस में और दूसरा रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट के बिजनेस में एक्टिविटीज में कंपनी शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ये जो कंपनी है महाराष्ट्र एंड गुजरात बेस्ड कंपनी है। ज़्यादातर इस कंपनी का जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र एंड गुजरात साइड में ही देखने को मिलेगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का मुख्यालय या ये कहेंगे विस्तार तो उतना नहीं मिलेगा, जो मेन बेस्ट है कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात लोकेशन में बेस्ट है। तो काम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो देखिए, रियल एस्टेट में जो काम करने वाली कंपनियां होती हैं उनके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो आप फ्यूचर यदि इस खुद से भी समझें तो काफ़ी आपको ब्राइट नजर आएगा। रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करने वाली हर एक कंपनी का भविष्य उज्ज्वल है, बशर्ते कि उसका टेक्निकल और फंडामेंटल भी बेहतर हो। तो हम लोगों ने अभी तक काम समझा, अब चलिए इस कंपनी का हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल भी समझते हैं, तब हम जाके अंत में ये डिसीजन लेंगे कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, और किसी का पहले से यदि इसमें इन्वेस्टमेंट है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, फंडामेंटल में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 400 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन होती है इस कंपनी को, तो उससे बेहतर मानते हैं यहाँ तो 400 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक का पी देखेंगे 36 के आसपास, कुछ खास महंगा नहीं है। शेयर प्राइस देखेंगे वैल्यूएशन वाइज ठीक है, और सबसे कमाल की बात है कि कंपनी का शेयर प्राइस इसका जो बुक वैल्यू है 7.8 से इससे ज़्यादा है, तो ये जो क्राइटेरिया होता है हमें फंडामेंटल में किसी स्टॉक चुनने का तो उस पर फिट बैठ रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो कंपनी का जो आर ओ है और आर ओ सी है यह भी देखेंगे डबल डिजिट में है, 16 के आसपास आपका रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 16% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। यानी कि अभी तक जो चीज़ हम लोगों ने समझा, कंपनी का काम और कंपनी का फंडामेंटल, ये दो चीज़ काफ़ी बेहतर नज़र आता है, यानी कि जो हमें चाहिए वो इस स्टॉक में है। अब चलिए सीधे चलते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं, यहाँ पर पता लगेगा कि हमें कहाँ पर इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम एक साल के चार्ट पर आ गए हैं, और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे इस तरह ही कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अब समझिए, जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस जब कंसोलिडेट करने लगता है, दो प्राइस के बीच में काफ़ी दिनों से घूम रहा होता है, तो उसके बाद मैंने अपने हर एक वीडियो में आपको बताया है, काफ़ी बार बताया है, यह भी अभी बता रहा हूँ कि उसका प्राइस 90 से 95% चांस होता है ऊपर जाने का, इससे बाहर निकला ऊपर गया। अब देखिए फिर से यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट करते हुए आपको नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, जब इसमें से कंसोलिडेशन इससे फिर बाहर निकलेगा तो फिर प्राइस ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, नीचे आ रहा है 30 रुपये के लेवल के आसपास सपोर्ट लेंगे फिर प्राइस बाउंस बैक करेगा और ऊपर निकलेगा। और इस बार ऊपर कहाँ तक निकलेगा, चलिए यहाँ पे हम मैक्सिमम देख लेते हैं। मैक्सिमम 5 साल के चार्ट पर देखें तो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ही हमें लगभग ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो इसका टारगेट ऐसे निकालते हैं कि देखते हैं पिछले समय में जितना लंबा समय कंसोलिडेशन में बिताया है तकरीबन उतना ही टारगेट होता है इसके ऊपर जाने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 10 रुपये से प्राइस उठना शुरू हुआ था, 10 रुपये से 35 गया था, तो इसका तकरीबन हाफ मान लेते हैं, कम से कम ये स्टॉक 45-50 रुपये तक इजिली आपको शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि जो अभी कंसोलिडेशन में ये स्टॉक चल रहा है इस कंसोलिडेशन से बाहर निकला तो इजिली आपको 45 से 50 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस कंपनी का, जिस मैंने बताया, एक तो जो कंपनी का काम है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी बेहतर है। अब समझिए, कोई व्यक्ति यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो क्या करेगा, क्या वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी तो स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन से जैसे बाहर निकलेगा 35 रुपये के आसपास से ऊपर जब निकलने लगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, भले थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ उठाएंगे तो रिस्क आपको नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कंपनी के पीयर कंपैरिजन में यदि बात करें कौन कौन सी कंपनी से इसकी तुलना कर सकते हैं, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, नामी ग्रामी कंपनी, डीएलएफ रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी है डीएलएफ, उससे
उसके कंपेरिजन में ये जो अपना RRIL कंपनी है वो आती है। तो जाहिर सी बात है कुछ तो इस स्टॉक में है कि इतने अच्छे अच्छे कंपनियों की लिस्ट में इस कंपनी का भी नाम शुमार है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए, नहीं है तो आप ऐड कीजिए। जो भी कीजिएगा अपने सोच समझ के साथ कीजिएगा, मेरे कहने पे कुछ नहीं कीजिएगा। इस स्टॉक के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। कुछ मन में सवाल रह गए तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से जो करवाते करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।